Right, my dear students. हम चैप्टर नंबर फाइव पोएम थैंक यू लॉर्ड की कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं आज हम उसमें करेंगे वट इज अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर कॉन्सोनेंट्स जो है वो इंग्लिश एल्फाबेट्स जो है उनको वावल्स के अलावा जो है वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं और क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर कॉन्सोनेंट पे मुश्तमिल अल्फाज का मजमुआ वो क्या होता है सीक्वेंस और कंपाउंड इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स विच हैव नो इंटरवीनिंग वॉवल्स द ग्रुप्स एस पी एल एंड एस टी आर आर कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन द वर्ड स्प्लिट्स एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो होता है वो अल्फाज का मजमुआ होता है जिसके दरमियान कोई वावल्स नहीं होते आपको पता है कि पांच वावल्स हैं ए आई ए आई ओ यू तो इनके बगैर अगर कॉन्सोनेंट्स का ग्रुप हो तो उसको कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं जैसे एग्जाम्पल में स्प्लिट एस पी एल एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर है और एस टी आर एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर है कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन इंग्लिश इन इंग्लिश द नंबर ऑफ कॉन्सोनेट्स इन सीक्वेंस कुड बी थ्री मैक्सिमम इन इनिशियल पोजिशन एंड अप टू फोर इन द फाइनल वन एंड कैन ऑफ कोर्स अकर इन द मीडियम पोजिशन जो मैक्सिमम इनिशियल पोजिशन पे होते हैं वो तीन होते हैं सीक्वेंस तरतीब से और फाइनल पोजिशन में मैक्सिमम uh, चार तक हो सकते हैं और मीडियम पोजीशन पे भी हो सकते हैं जैसे स्ट्रेट है तो आप देखें कि स्ट्रेट जो है इसमें एस टी आर जो है तीन कॉन्सोनेंट सीक्वेंस में हैं। है स्ट्रेट कहते हैं एक्सटेंडिंग आर मूविंग यूनिफॉर्मली इन वन डायरेक्शन ओनली विदाउट कर्व आर बेंड किसी भी चीज को एक ही डायरेक्शन में एक ही सिमत में uh, uh, मोड़े बगैर रखना इसको उर्दू में कहते हैं सीधा हम हर नमाज में अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता बता जिसमें टेढ़ा पान ना हो जिसमें कजी ना हो तो हमें चाहिए कि हम जिंदगी में सच के रास्ते पे चलें स्ट्रिप आप ये देख रहे हैं ये स्ट्रिप्स हैं स्ट्रिप रिमूव ऑल कवरिंग्स को भी कहते हैं और उर्दू में इसको पट्टी को भी कहते हैं जैसे ये स्ट्रिप्स हैं पतली चौड़ा फीता जिसको आप कह लें उसको स्ट्रिप कहते हैं फिर है स्ट्रिंग ये आप देख रहे हैं स्ट्रिंग कहते हैं मटीरियल कंसिस्टिंग ऑफ थ्रेड्स ऑफ कॉटन हैम और अदर मटीरियल ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ थिन लेंथ इसको डोरी भी कहते हैं इसको ट्विस्ट किया होता है और इसको Uh, फिर धागे की गोले की शक्ल में लपेट लेते हैं तो डोर को भी स्ट्रिंग कहते हैं फिर है अब आप देखें कि इन तीनों में वर्ड्स दैट बिकिन विद थ्री कंसोनेंट क्लस्टर्स स्ट्रेट स्ट्रिप और स्ट्रिंग इनमें एस टी आर से ये तीनों वर्ड शुरू हो रहे हैं और इसमें जो कंसोनेंट क्लस्टर है वो है एस टी आर नेक्स्ट है स्क्रीम स्क्रीम कहते हैं गिव अ लॉन्ग लाउड पियर्सिंग क्राई आर क्राइज एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीम इमोशन आर पिन जब किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसके मुंह से जो चीख निकलती है उसको स्क्रीम कहते हैं और उर्दू में इसे चीखना कहते हैं पूरा गला फाड़ के बच्चे चीखते हैं फिर है स्क्रू स्क्रू जो है शॉर्ट स्लेंडर शार्प प्वाइंटेड मेटल पिन विद अ रेज हेलिकल थ्रेड रनिंग ग्राउंड इट एंड अलॉटेड हेड आपने देखा होगा ये स्क्रू घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होता है और इसको उर्दू में पेच भी कहते हैं फिर है स्क्रैप डिस्कार्डेड मेटल फॉर रीप्रोसेसिंग जो आ, मेटल का धाती जो टुकड़े बच जाते हैं उनको दोबारा से आ, काबल बनाया जाता है तो वो जो फालतू टुकड़े आते हैं उनको स्क्रैप कहा जाता है बचा कुचा टुकड़ा That begin with three तो ये हमारे पास था स्क्रीम स्क्रू और स्क्रैप और इसमें जो आपने देखा साउंड मेड बाय सम इन टू लिक्विड वो आवाज जो पानी को फेंकने से ऊपर से पैदा होती है अगर आप इस तरह ऊपर से पानी फेंके तो उसको स्पलैश कहते हैं और छिड़काव करें तो उससे जो आवाज आती है उसको स्प्लैश कहते हैं स्प्लिट ब्रेक आर कॉज टू ब्रेक फोर्सिबली इनटू टू पार्ट्स, स्पेशली इन टू किसी भी चीज को दो हिस्सों में तकसीम करना स्प्लिट कहलाता है और इसको उर्दू में तकसीम कहते हैं फिर स्प्लेंडिड है, स्प्लेंडिड का मानिया इंग्लिश में मैग्निफिसेंट और वेरी इंप्रेसिव बहुत शानदार आलिशान इसको उर्दू में कहते हैं Words that begin with three consonant clusters. So, आप देखें और में SPL जो है वो शुरू में आया है फाइनल कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन सीक्वेंस कुड बी थ्री टू फोर इन द फाइनल पोजिशन यानी वर्ड के एंड में तीन से चार तक सीक्वेंस हो सकता है अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख जैसे ये एक्सेप्ट एक्सेप्ट का मतलब होता है कंसेंट टू रिसीव और अंडरटेक समथिंग ऑफर्ड कोई किसी को कोई चीज पेश करे तो उसको कबूल कर लेना उसको कहते हैं एक्सेप्ट कबूल करता है जैसे गिफ्ट कबूल करना कोई मदद के लिए कहे तो वो कबूल करना एडोप्टॉप्ट adopt का मतलब होता है चूज टू टेक अप फॉलो और यूज किसी को अपना लेना किसी की जैसे अडोप्ट मी दिस इज अडॉग मी के मुझे अपना लो मुझे घर ले जाओ मेरी केयर करो इख्तियार करना मदद करना अपनाना ये अडोप्ट के मानी है इंटरप्ट आपने देखा होगा जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो प्रोग्राम अचानक रुक जाता है उसकी जगह आता है नो no सिग्नल्स तो इसको कहते हैं इंटरप्ट्स स्टॉप द कंटिन्यूस प्रोग्रेस ऑफ एनेक्टिविटी और प्रोसेस जो आपका प्रोग्राम था वो एकदम रुक गया एक्टिविटी रुक की इसको कहते हैं इंटरप्ट दखल अंदाजी करना रोक देना वर्ड्स दैट एंड विथ थ्री कॉन्सोनेंट क्लस्टर तो आप देखें एक्सेप्ट एडोप्ट इंटरफ्ट तीनों जो हैं वो पी टी एस के ऊपर एंड हो रहे हैं तो ये इनको हम कहेंगे वर्ड्स एंड विथ थ्री कॉन्सोनेट क्लस्टर्स फिर हेल्प्स मेक इट इजियर पॉसिबल फॉर टू डू समथिंग बाय ऑफरिंग रिसोर्सेज आप किसी को आसानी पैदा करते हैं उसको मदद करना भी कहते हैं तो हमें चाहिए कि हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करें गुस्से को गुजर करें जो हमारे पास है हमारे पास इल है हमारे पास कोई हुनर है लोगों में बांटना शुरू करें अल्लाह त मदद करेगा Scalps कहते हैं द स्किन कवरिंग हेड एक्सक्लूडिंग द फेस आप देखें ये मसाज कर रहा है इसकी स्कैल्प पे. तो खोपड़ी की जिल्द को स्कैल्प कहते हैं फिर है पल्प्स आप ये देखें कि फ्रूट के अंदर से जो उसका गुदा निकाला जाता है उसको पल्प्स कहते हैं क्रश इनटू अ सॉफ्ट वेट शेपलेस मैस गुद्दा जो है उसको पल्प्स कहते हैं तो वर्ड्स दैट एंड विथ थ्री कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स तो ये हमारे पास आ गया हेल्प्स स्कैल और पल्स और इसमें दे आर एंडिंग विद एल पी एस फिर है लैंप्स आर डिवाइस फॉर गिविंग लाइट वो चीज जिससे रोशनी हासिल होती है तो चिराग उर्दू में कहते हैं और अल्लाह तला का चिराग क्या है जिससे हम सब रोशनी हासिल करते हैं सूरज शाबाश स्टैंप्स स्टैंप्स कहते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टैम्पिंग पैटर्न आग इसको मोहर भी कहते हैं और ठप्पा लगाना भी कहते हैं और वैसे डाक के जो टिकट्स हैं उनको भी स्टैम्प्स कहते हैं आजकल क्योंकि सारा कुछ ईमेल पे होता है हम कम ही टिकट इस्तेमाल करते हैं जंप्स पुश वन सेल्फ ऑफ अ सरफेस एंड इनटू द एयर बाय यूजिंग द मसल्स इन वन लेग्स एंड फीट एक बंदा अपनी टांगे और जो है पों का इस्तेमाल करते हुए ऊपर उछलता है इसको कहते हैं जम्प्स छलांग लगाना Words that end with three तो इसमें आ जाता है लैम्प स्टैम्प एंड जम्स आप देखें इसमें एम पी एस जो है वो क्लस्टर यूज हो रहा है फिर है वर्ड्सिन क्लस्टर सॉर्ट कहते हैं चुनाव करना अलहता करना तो ये हमारे पास छ वर्ड्स है आप इनमें से देखें कि कौन से शुरू हो रहे हैं और कौन से एंड हो रहे हैं पहले खुद से कोशिश करें और फिर उसके बाद हम इनको आगे वीडियो देखें तो स्प्लिट अभी हम पहले देख चुके हैं किसी चीज़ को दो में ही तकसीम करना फिर ये हमारे पास है स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जो है कोई ड्रामा या ब्रॉडकास्ट की जो डायलॉग होते हैं उनको लिखने को कहते हैं और इसको उर्दू में तहरीर कहते हैं और स्ट्रांग हैविंग द पावर टू मूव हैवी वेट्स मज़बूत बहुत ज्यादा भारी चीजें उठाने वाले को हम कहते हैं इज वेरी स्ट्रांग फिर गल्फ्सो ड्रिंक आर फूड क्विकली आर इन लार्ज माउथफुल्स माउथेबली बड़े बड़े घूंट लेके पीना गट कट पी जाना जिससे आवाज भी आती हो इसको गल्फ्स कहते हैं फिर है पंप्स आपने हैंड पंप देखा होगा हवा भरने का पंप भी होता है मैकेनिकल डिवाइस यूजिंग सक्शन आर प्रेशर टू रेज आर मूव लिक्विड्स और आप इससे टायर्स में हवा भी भरते हैं जो एयर पंप होते हैं पानी या हवा भरने की मशीन या आला इसको पंप्स कहते हैं और अटेम्प्ट्स कोशिश करना आप ये बिल्ली इसको छलांगने फलांगने की कोशिश कर रही है मेक एन एफर्ट टू अचीव कंप्लीट कम्प्लीट डिफिकल्ट कोशिश करना किसी मुश्किल चीज को हासिल करने के लिए वर्ड्स दैट बिकिन वि थ्री कॉन्सोनेट क्लस्टर्स आर स्प्लिट स्क्रिप्ट और स्ट्रोंग और वर्ड्स दैट एंड विद दीज थ्री कॉन्सोनेट क्लस्टर्स आर गल्फ्स, पंप्स एंड अटेम्प्ट है आपको सबक समझ आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें